My dear students, as you know, the whole country and almost the whole world is affected by COVID-19 epidemic. All schools and colleges are closed according to government order. Therefore, in these circumstances, online teaching is necessary. We should also take interest seriously in these online classes for completing the syllabus on time. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, वर्तमान समय में पूरा भारतवर्ष और करीब करीब पूरा संसार कोरोना वायरस की वजह से COVID-19 नामक महामारी से ग्रस्त है, पीड़ित है, और इसलिए ऐसी दशा में गवर्नमेंट के आदेश से सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और लोग कोरोना वायरस से बचे रहें। और इस स्थिति में स्कूल वालों को जो सक्षम है, जो संपन्न है, उनको ऑनलाइन क्लासेस चलाना पड़ रहा है, ऑनलाइन टीचिंग करानी पड़ रही है। अतएव आप लोगों से भी आप लोगों को भी सुझाव दिया जाता है कि आप लोग इस ऑनलाइन टीचिंग के तहत जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उसे आप लोग गंभीरता से लें ताकि आप सभी लोगों का सिलेबस समय से पूरा हो सके। टुडे आई वांट टू टीच यू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। The teaching points are as follows. आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, लिखाएंगे और उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक क्रियाएं और रासायनिक समीकरण, रासायनिक क्रियाएं और रासायनिक समीकरण। और इस चैप्टर से जो रिलेटेड टीचिंग पॉइंट्स हैं वह इस प्रकार है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को ठीक ढंग से पढ़ाने, लिखाने और समझाने के लिए उस टीचिंग पॉइंट्स की जरूरत होती है जिसके तहत उस चैप्टर को ठीक ढंग से पढ़ाया जा सके, लिखाया जा सके। इसलिए जो तीन आवश्यक टीचिंग पॉइंट्स हैं, वो थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग पॉइंट्स हैं, वो इस प्रकार है। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। सेकेंड, नॉलेज ऑफ चैप्टर। एंड थर्ड, प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर। पहला टीचिंग पॉइंट से इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। इस टीचिंग पॉइंट के तहत हम चैप्टर के बारे में आप लोगों को बताते रहते हैं और हमेशा बताए हैं। उसी के तहत हम इस चैप्टर की मीनिंग बताएंगे, इस चैप्टर में मुझे क्या पढ़ना है ये बताएंगे। दूसरा जो पॉइंट है नॉलेज ऑफ चैप्टर, इसके तहत हम आप लोगों को बताएंगे इस चैप्टर में कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे आपको पढ़ना है। और थर्ड पॉइंट है प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर, जो मेन मेन जो टॉपिक्स हैं उनको सबको बारी बारी से सिस्टमेटिक ढंग से सबको जो है समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, लिखा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, वी विल नो द क्लियर कंसेप्ट अबाउट द नेम ऑफ द चैप्टर। द क्लियर कंसेप्ट About the name of the chapter is as follows. पहले टीचिंग पॉइंट के तहत हम आप लोगों को चैप्टर के नाम के बारे में स्पष्ट रूप से बताएंगे, इस चैप्टर का नाम है, जो शीर्षक है, टाइटल है, इसका मतलब क्या होता है इसे हम बताएंगे, और जो जानकारी है वो इस प्रकार है। Whenever permanent changes occurs in a matter, then we can say that it is a chemical reaction. जब किसी पदार्थ में अस्थायी रूप से परिवर्तन दिखाई देता है, जब किसी पदार्थ में अस्थायी रूप से परिवर्तन दिखाई देता है, इस प्रकार के परिवर्तन को, इस प्रकार की क्रिया को हम रासायनिक क्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, आफ्टर बर्निंग वुड चेंज इनटू कोल, जैसे कि जब हम लकड़ी को जला देते हैं तो कोयला बन जाती है,
और फिर कोयले से हम लकड़ी को नहीं प्राप्त कर सकते। यह केमिकल चेंज हो गया, रासायनिक परिवर्तन। आफ्टर मेल्टिंग मिल्क चेंजिंग टू कर्ड, जब हम दूध में दही का जूरन डाल करके उसे जमा देते हैं, वह दूध दही बन जाता है और फिर हम दही से दूध नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि यह परमानेंट चेंज हो गया। और परमानेंट चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब आते हैं आगे केमिकल इक्वेशन के बारे में जानते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में तो हम जान गए, अब केमिकल इक्वेशन के बारे में जानते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन केमिकल लैंग्वेज इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जो रासायनिक क्रिया होती है उसे रासायनिक भाषा में लिखना, सिंबल के द्वारा, फार्मूला के द्वारा, जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं रासायनिक भाषा में, इस तरह की विधा को, इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी एच फोर प्लस टू ओ टू इज इक्वल टू सी ओ टू प्लस टू एच टू प्लस सी। जैसे कि हम मीथेन गैस को जब ऑक्सीजन गैस से क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, पानी बनता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। फिर आते हैं सी ओ प्लस एच टू ओ, सी ओ मीन्स होता सूखा चूना, सी ओ मीन्स होता सूखा चूना। अब जो सूखे चूने को पानी से क्रिया कराई जाती है, यानी कि पानी, जब सूखे चूने में हम पानी डालते हैं तो बन जाता है बूझा चूना। अब बूझा चूना को हम कहते हैं सी ए अंडर ब्रैकेट ओ एच टू। फिर आगे बढ़ते हैं, टू एच टू प्लस ओ टू इक्वल टू एच टू, मतलब जब हम हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस से क्रिया कराते हैं तो वह बन जाता है पानी, जल बन जाता है। इसी प्रकार सी प्लस ओ टू, जब कार्बन गैस को हम ऑक्सीजन गैस से क्रिया कराते हैं तो बन जाती है सी ओ टू, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। इस जो रिप्रेजेंट किए गए हैं रासायनिक भाषा में विद सिंबल एंड फार्मूला, तो ये सब जो देख रहे हैं हम, ये सब केमिकल इक्वेशंस हैं। तो हम लोग अब केमिकल रिएक्शन को समझ गए, केमिकल इक्वेशन को समझ गए, और यही चैप्टर का नाम है, यानी कि जो पहला टीचिंग पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, वो पूरा हुआ और चैप्टर के बारे में हम लोग जान गए। अब आते हैं सेकंड टीचिंग पॉइंट पर। अकॉर्डिंग टू सेकंड टीचिंग पॉइंट वी विल नो द नेम ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रिलेटेड चैप्टर। द नेम ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रिलेटेड चैप्टर्स चैप्टर आर एच फॉलो। दूसरा जो टीचिंग पॉइंट है उसके तहत इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी हैं, कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उनके नाम क्या हैं, इससे पूरे चैप्टर की समरी जानकारी, समरी की जानकारी हो जाती है और पूरा चैप्टर हमको जो है समरी के रूप में ज्ञात रहता है। अब वो जो नाम है जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो इस प्रकार है। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं, रासायनिक क्रियाओं के कौन कौन से जो है प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं। यह भी जान लीजिए कौन कौन से प्रकार हैं जो पढ़ने हैं आपके स्टैंडर्ड क्लास 10 के स्टैंडर्ड पर, जो पढ़ने हैं वो इस प्रकार है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सिक्स रिडक्शन रिएक्शन। ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन हैं जो करीब करीब 6 हैं क्लास 10 के स्टैंडर्ड पर, इनको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे आगे। अब सेकेंड टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो हमारे परिवेश में या हमारे आसपास की वस्तुओं पर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो प्रभाव पड़ता है उसको भी हम जानेंगे, जिसे हम दो रूपों में देखते हैं, कोरोजिन एंड रेंसिडिटी, कोरोजिन एंड रेंसिडिटी। थर्ड टॉपिक है
राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसके तहत हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका सीखेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, अब इसके तहत हम लोग केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स को जानेंगे। फर्स्ट स्केलेटन केमिकल इक्वेशन एंड सेकंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, फर्स्ट स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, यह जो है बैलेंस नहीं होता है, और सेकंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये सब तो रही जानकारी इस चैप्टर से संबंधित टॉपिक्स की। अगर केवल हमें टॉपिक्स के नाम ही जानते रहें तो भी इस चैप्टर के बारे में हमको बहुत अधिक जानकारी रहती है। लेकिन होता क्या है कि दो महीने बाद चैप्टर का नाम भी भूल जाता है, टॉपिक की दुआ नहीं छोड़ी, और याद कैसे रहेगा? जब हम बार बार उसे लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तभी याद होगा, और नहीं तो एक बार लिख करके छोड़ देंगे तो चैप्टर का नाम भी याद नहीं है। अब आते हैं, अकॉर्डिंग टू थर्ड टीचिंग पॉइंट वी विल नो अबाउट दीज टॉपिक्स इन ए सिस्टमैटिक वे। और तीसरे टीचिंग पॉइंट के तहत हम लोग क्या करते हैं, जो ये टॉपिक्स हैं उनको बारी बारी से हम उनके बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो इसी के तहत अब हम क्रमशः जो टॉपिक्स हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इन सेम सीक्वेंस नाउ विल टेल यू अबाउट द फर्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। द टीचिंग लाइंस आर एज फॉलोइंग। इसी क्रम में अब हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक जानेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। वह पहला टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और इस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के तहत जो पहला टाइप है उसके बारे में जानेंगे। पहला टाइप क्या है उसके बारे में हम जानते हैं, पहले अंग्रेजी में, फिर उसको हिंदी में, अंग्रेजी में लिखेंगे, हिंदी में समझेंगे ताकि हमको याद हो जाए। अंग्रेजी में लिखेंगे, हिंदी में समझेंगे। रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल्स C+O2=CO2, 2H2+O2=2H2, थर्ड CaO+H2=CaOH2PTC। मतलब यह है कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि कंबाइन होते हैं, दूसरे से कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, इस प्रकार के जुड़ते हैं इस प्रकार के केमिकल रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के एक कंपाउंड बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स मिलकर के एक कंपाउंड बना रहे हैं वाटर, और सूखा चूना और पानी मिलकर के एक कंपाउंड बना रहे हैं दूसरा चूना। इस तरह से जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिल करके एक कंपाउंड बनाने, इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब सेकंड आते हैं, सेकंड क्या है? रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड इज ब्रोकन इनटू टू आर मोर न्यू कंपाउंड्स इज नोन एज ए डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें होता क्या है कि एक बड़ा कंपाउंड टूट करके दो या दो से अधिक कंपाउंड एलिमेंट्स बन जाता है। एक बड़ा कंपाउंड टूट करके, ब्रेक करके, ब्रोकन, दो या दो से अधिक कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल CO2, कैल्शियम कार्बोनेट को जो हम गर्म करते हैं बाय हीटिंग, तो बन जाता है CaO+CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को जो हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। मतलब एक कंपाउंड दो कंपाउंड में टूट गया, डिकम्पोज हो गया। इसी प्रकार 2AgCl बाय सनलाइट 2Ag+Cl, सिल्वर क्लोराइड कहते हैं, AgCl को सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं।
और ये सिल्वर और क्लोरीन मिक्सिंग, फिर Ag2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बाई सनलाइट चेंज हो गया AgNBr2TC। मतलब कुल मिलाकर के कहना यह है कि जब एक बड़ा कंपाउंड टूट करके दो या दो से अधिक कंपाउंड में या एलिमेंट्स में चेंज हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, इस तरह के हम रिएक्शन को हम डिकम्पोजन रिएक्शन कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द चैप्टर विल बी टॉट ऑन नेक्स्ट। आज इस चैप्टर के बारे में इतना ही, और जो बाकी बची हुई चीजें हैं, बाकी बचे हुए जो टॉपिक्स हैं, उसे अगले टर्न पर देखा जाएगा, समझा जाएगा, सुना जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड राइट द रीटिंग मैटर्स इन रेड कलर इन योर होमवर्क नोटबुक फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ योर स्पेलिंग्स विद द हेल्प ऑफ योर स्मार्टफोन और लैपटॉप। मेरे प्रिय विद्यार्थी, अब आपको क्या करना है? आपको यह करना है कि अपने लैपटॉप से या स्मार्टफोन की सहायता से जो टीचिंग मटेरियल का जो रेड कलर की लाइंस हैं, उसे अपने होमवर्क नोटबुक में नोट कर लें, और नोट करने से आपको इस पर कंसंट्रेट हो जाएंगे, और कंसंट्रेट हो जाएंगे तो आपको आगे जो MCQ दिया जाएगा और वर्कशीट दी जाएगी उसको सॉल्व करने में आसानी होगी, और नोट करने से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपकी स्पेलिंग सही हो जाएगी, क्योंकि सुनने से स्पेलिंग ठीक नहीं होगी, सुन करके स्पेलिंग अब नहीं जानेंगे, लिखेंगे तो स्पेलिंग आपकी ठीक हो जाएगी और वो आपके दिमाग में परमानेंट हो जाएगा। आफ्टर दैट यू शुड ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व द MCQ एंड वर्कशीट प्रोवाइडेड बाई योर स्कूल एट। Your solution should be online method with the help of your schooler. जब आप रेड कलर की टीचिंग मटेरियल को नोट कर लें, उसके बाद जो स्कूल ऐप के द्वारा जो MCQ और वर्कशीट दी जा रही हैं, उसे आप सावधानी से गंभीरतापूर्वक सॉल्व करें, और यह आपका जो सोल्यूशन होना चाहिए वो ऑनलाइन मेथड होना चाहिए। और मेरा यह सुझाव हो कि यदि आप स्मार्टफोन की बजाय लैपटॉप का यूज करेंगे तो यह आपकी पढ़ाई बहुत ही जो है इफेक्टिव होगी, और हर चीज़ें आपको साफ दिखाई देंगी, साफ सुनाई देंगी, और आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, जो हो सकता है क्लास टीचिंग से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। यू शुड ऑल्सो सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन योर होमवर्क फॉर रिवीजन पर्पस। और आपको ये चाहिए कि ये सब जो MCQ हैं और वर्कशीट है, वो आप लोग अपने होमवर्क नोटबुक में भी कर लें, ताकि आपको 10 दिन 20 दिन बाद रिवीजन करने में आसानी हो। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस, एंड स्टडी विथ केयर। वेरी मच, थैंक्स टू यू।